हेलो दोस्तों, चैनसा सर्विस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि जो चैनसा मशीन का जो कार्बोरेटर होता है उसकी टाइमिंग कैसे सेट की जाती है। भाई, ये है चैनसा मशीन का कार्बोरेटर। आपको सबसे पहले बताएं, जब आपकी मशीन स्टार्ट ना हो, आप कार्बोरेटर के जो पेंच हैं वो छेड़ दिए हों, इसकी वजह से आपकी मशीन स्टार्ट ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले आपको ये जो दो पेंच लगे हुए हैं इनको दोनों को अंदर की तरफ पूरा टाइट कर देना है, एकदम पूरा टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद दोनों पेंच जो हैं एकदम एकदम टाइट कर देना है। ऐसे टाइट करना है जो आपको पता चले कि पेंच टाइट हो गया, उसके बाद आपको तागर नहीं लगाना है। जब आपके पेंच दोनों ये पेंच टाइट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको एक चूड़ी और ये दो चूड़ी बाहर की तरफ आपको खोलना है। उसके बाद इसको भी दो राउंड घुमाना है। दो राउंड घुमाने के बाद आपको चैनसा स्टार्ट करना है। जब आपका चैनसा फिर ना स्टार्ट हो, तो आपको फिर से एक राउंड इसको पीछे की तरफ घुमाना है दोनों को, फिर आपको चैनसा स्टार्ट करना है। जब चैनसा आपका स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको टाइमिंग नहीं मिलाना है, इसको आपको छोड़ देना है। जो ये पेंच है इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपना इसकी रेट जो मशीन है ज़्यादा तेज जो इंजन है वो ज़्यादा आरपीएम पे चल रहा है, तो उसको आपको लो करना पड़ेगा। लो करने के लिए इसको आपको यूज करना पड़ेगा। ये अगर ज़्यादा अंदर है तो इसको आपको बाहर की तरफ घुमाना है। अगर आपकी इसकी रेट जो है वो लो है, तो आपको इसको अंदर की तरफ डालना है, ताकि आपका जो चैनसा है वो बंद ना हो। आप इसका जो है ये आपका सेट हो गया, ये दोनों आपका सेट हो गया। उसके बाद आपको चैन, जो चैनसा का चैन होता है बार चैन, उसको आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसकी लेट करना है मशीन को। जब इसकी लेट आप करेंगे, आप देखेंगे कि जो चैनसा का चैन है वो सही से राउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका चैन सिलो चल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, एक राउंड अंदर की तरफ घुमा देना है। जब एक राउंड आप अंदर की तरफ घुमा देंगे, उसके बाद आपको आप फिर से एक्सीलेट करना पड़ेगा चैनसा को। फिर से अगर लो है, सही से चैन राउंड नहीं करे, फिर आपको एक राउंड घुमा देना है। उसके बाद आपका जो चैनसा है वो एकदम चैन जो है सही से राउंड करने लगेगी, और आपका चैनसा सही से चलने लगेगा। जैसे कि आपका जो चैनसा है वो स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ सही है, केवल चैन सही से नहीं चल रही, तो आपको क्या करना है, जो पीछे का हाई का पेंच हो जहाँ पे आपका चैनसा है, आपको बता देंगे। जो चैनसा है इसमें आप देख पा रहे होंगे, शायद यहाँ पे लिखा है L और यहाँ पे H और यहाँ पे T, तो इसको ये दोनों आपको छोड़ देना है। जब आपकी मशीन स्टार्ट हो, इंजन सही से चल रहा हो, बंद ना हो, तो आप ये जो टी यहाँ पे लिखा है और एल, ये दोनों पेच आपको छोड़ देना है। ये जो हाई लिखा है एच, इसको आपको यूज करना है। आपकी चैन सिलो चल रही है, तो आप ये जो हाई वाला पेच है जो यहाँ पे पीछे साइड लगा होता है, ये जो आपको पीछे साइड यहाँ से आपको यहाँ से छेद होता है, उसी में आपको पीछे साइड जो होता है पेच, उसको एक राउंड अंदर की तरफ घुमा के फिर से आपको चैन राउंड करना है, एस्केलेट करना है मशीन को। आपकी जो चैन है वो राउंड फास्ट करने लगेगी। अगर आपका चैनसा स्टार्ट होने के बाद आप एस्केलेट करते हो, तो वो लो हो जाता है, एस्केलेट करने के बाद बंद हो जाती है एस्केलेट करने पे, तो आपको क्या करना है, आपको यही पेंच जो एच लिखा है वही पेंच आपको इसको बैक पीछे की तरफ राउंड करना है, एक बार राउंड करना है। जैसे ऐसे ये ऐसे पेंच है आपका इस तरह, तो आपको इसको ऐसे करके एक राउंड
बैक करना है, उसके बाद आपको स्किलेट करना है कि आपकी चैनसा चैन जो है राउंड कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद भी आपका चैनसा स्टार ना हो या सही से काम ना करे तो आपको नया कार्बोरेटर डालना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।